वाराणसी में दुर्गा पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। दुर्गोत्सव में इस बार दाल से बनी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। यहां दाल, बादाम, राजमा और साबूदाने की प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही काशी में एक ऐसा पूजा पंडाल है जहां नवरात्र के पहले दिन से ही माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहां धूमधाम से 9 दिन तक माता का पूजन होता है और ये परंपरा 55 साल से चली आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, काशी में पूरी तरीके से दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। श्रद्धालुओं में भी दाल से तैयार प्रतिमा का क्रेज यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बार हम लोग के यहाँ मूर्ति साबूदाने की बन रही है, किरकिरी की देख ही रहे हैं, सोने का गोल्ड दे करके बना है, मेवे की बन रही है, राजमा का है, दाल का है, तरह तरह की मूर्ति बनती रहती है। अगर साधारण मूर्ति बनाने में अगर हमको 1 हफ्ता लगता है, उस मूर्ति को बनाने में 1.5 महीना लगता है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और जिस हिसाब से मेहनत होता है उस तरफ पैसा नहीं होता। दाल वो लोग दे देते हैं जिनका मूर्ति का रहता है कि मेरा इस तरह बनाए, तो वो सामान देते हैं। इस बार खास ये है, ये दाल का पूरा मूर्ति बना हुआ है और ये साबूदाना का मूर्ति है। मूर्ति तो 6 महीने में तैयार हो जाती है। धीरे धीरे जैसे पुआल बांधते हैं, कठाम बनाते हैं, फिर एक बार कंप्लीट होती है। वाराणसी में अलग अलग पंडालों में अलग अलग मूर्ति देखने को मिलती है, पर इस बार भी कुछ ऐसा ही खास नजर आ रहा है। जहां एक तरफ साबूदाने से तैयार ये मूर्ति आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से साबूदाने से ये मूर्ति तैयार हुई है, तो दूसरी तरफ हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे एक ऐसी मूर्ति जो दाल से बनी हुई है। अलग अलग प्रकार के दाल है इसमें, रहर की दाल, मूंग दाल, राजमा का भी इसमें उपयोग किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अलग अलग दाल से ये मूर्तियाँ बनी हैं, इसमें रहर की दाल, राजमा, मूंग की दाल, चने की दाल, ये सारी दाल से मिली हुई ये मूर्ति आप देख सकते हैं, जो एक अलग ही एहसास कराती है। साथ ही बाजुओं में आप देख सकते हैं बादाम का भी यहाँ पर कारीगरी की गई है, यानी कि पूरी की पूरी मूर्ति को दाल, राजमा, बादाम से तैयार किया गया है। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलती है जो सजावट के सामान से तैयार की गई मूर्ति है, तो ये भी अपने आप में एक अलग ही एहसास दिलाती है। अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ जो है वो काशी में बनकर तैयार हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्ति जो है बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो मूर्ति है ये पूरी तरीके से सजावट के सामान से जो है इस मूर्ति को तैयार किया गया है। पूरी तरीके से गोल्डन कलर में ये मूर्ति दिखाई दे रही है। जहाँ पर ये मूर्ति बनकर तैयार हुई है, सजावट के सामान से ये मूर्ति तैयार हुई है, और ठीक इसके बगल में साबूदाने और बादाम से बनी हुई मूर्ति को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। तो काशी में जहाँ 520 लगभग दुर्गा जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित होती हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से कहीं इस तरीके के बादाम से मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, तो कहीं साबूदाने से मूर्तियाँ जरा बनाई जा रही हैं, तो कहीं सजावट के सामान से मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये जो अद्भुत कला का जो एक मिश्रण है, एक नमूना है, वो काशी में दिखाई देता है, और दुर्गा पूजा की ऐसी धूम यहाँ दिखाई देती है, इसीलिए काशी को मिनी बंगाल कहा जाता है। जिस तरीके से बंगाल में अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ दिखाई देती है, सजावट दिखाई देती है, ठीक उसी तरीके से उसका एक जो छोटा रूप है वो वाराणसी में जरूर नज़र आता है। काशी में एकमात्र ऐसी पूजा होती है जहाँ पर नवरात्र के पहले दिन से ही माता की भव्य प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। 55 साल से ये परंपरा आज भी इसी तरीके से अनवरत चली आ रही है। जब वाराणसी के टाउन हॉल में पहले दिन से ही माता का जो भव्य प्रतिमा है वो स्थापित हो जाती है और 9 दिन पूरे विधि विधान से पूजा होता है। हमारे साथ दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। तिलकराज जी, इस समय काशी में कितनी पूजा पंडाल है, कितनी जगह पूजा हो रही है और किस तरीके से आयोजन हो रहा है? देखिए, अगर आप वाराणसी और ज़िले में मिलाएंगे तो पूरे वाराणसी में करीब करीब 272 के आसपास पूजाएं हैं और ज़िले में मिला करके करीब 512 से आसपास पूजाएं हैं।
पूरे काशी में 3 दिन की पूजा ज़्यादा होती है, 3 दिवस की पूजा ही सारी है। और बहुत प्राचीन साल से सैकड़ों वर्षों से, मतलब 250 वर्ष से पूर्व से ये बंगाली देवड़ी है। पीछे दुर्गावाड़ी भी यहाँ है जहाँ प्रतिमा बैठी और आज तक उठी ही नहीं, वो भी प्रतिमा काशी में है। मतलब माँ ने सपना दिया कि हम यहाँ रहें विराजमान होंगे, तो वो काशी का उत्सव है। यहीं से काशी के उत्सव को पूरे भारत में स्वीकारा है। बंगाल के बाद मिनी बंगाल काशी को कहा जाता है। दुर्गोत्सव का एक ऐसा पर्व है जिस पर्व में लोग घरों से निकलते हैं और घरों से निकल करके परिवार के साथ एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिससे आप मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, टेंट वाले, लाइट वाले, अपने जो है जो ठेले खोमचे वाले, और यानी कितने लोग हैं जो लाभान्वित होते हैं इस दुर्गोत्सव से, तो ये सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कराता है। तो फिलहाल वाराणसी में नवरात्र की धूम किस तरीके से परवान चढ़ रही है वो आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट वाराणसी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर लगातार जो मूर्तिकार हैं वो अनोखी मूर्तियां बना रहे हैं, जिसके चलते लोगों में भी मूर्तियों को लेकर काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। दाल, बादाम, राजमा, साबूदाने से मां की प्रतिमा बनाई गई है। फिलहाल इस प्रतिमा को बनाने के लिए समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मूर्तिकार का ये भी कहना है कि जिस तरीके से मेहनत है उस तरीके से उनको पैसा नहीं मिल पाता है। तो तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर अनोखी मूर्तियाँ आकर्षण का केंद्र रही हैं।